नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा वर्दी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने जो पीछे वाले जो लेसन दिए, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है, उनको आप आराम से बिल्कुल वर्दी चैनल के यूट्यूब चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और उसी के साथ मैं अगली कड़ी में एक टॉपिक और जोड़ रहा हूँ, जिसमें अपन थोड़ी देर पहले या फिर हमने पहला जो लेसन डाला था उसमें मैंने राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य संबंध, और उसी में मैंने एक कड़ी और जोड़ी थी भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध। उसी कड़ी को आगे बढ़ा आते हुए मैं अगला जो टॉपिक डाल रहा हूँ वो है राजस्थान और गुजरात के मध्य संबंध। राजस्थान और गुजरात के मध्य संबंध, आपको पता है कि इन दोनों के मध्य जो सीमा बनती है वो बनती है अंतः राज्य सीमा। कौन सी सीमा? अंतः राज्य सीमा। और ये बात मैंने पहले भी की थी कि गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है? गांधीनगर है। जो मैंने आपको चर्चा की थी कि कौन सी नदी पे स्थित है? साबरमती नदी पे। कौन सी नदी पे? साबरमती। और इसी नदी के ऊपर गांधी जी का साबरमती आश्रम भी स्थित है। और साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा क्या हुई थी प्रारंभ, और जिससे नमक कानून को क्या किया गया था? तोड़ा गया था। तो राजस्थान और गुजरात के मध्य कौन सी सीमा का निर्धारण होता है? अंतः राज्य सीमा। और ये कितनी लंबी सीमा है वो आपको पता हो तो 1022 किमी। अगर इसकी चर्चा अपन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान और गुजरात, ये जो राजस्थान है, अगर गुजरात की बात करें, मैं यहां थोड़ा सा एक टॉपिक अपना राजस्थान का मानचित्र बनाता हूं जिससे हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे धीरे-धीरे हम राजस्थान का मानचित्र भी कवर करते चलेंगे, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले या इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य संबंध, और जिसमें हमने चार जिलों की बात की थी, जिसमें श्री गंगानगर, दूसरा कौन सा बीकानेर, तीसरा कौन सा जैसलमेर, और चौथा कौन सा बाड़मेर। इसी कड़ी में अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अपने को अपना पड़ोसी जो दक्षिण पश्चिम राज्य है वो है गुजरात, और गुजरात और राजस्थान के मध्य हमें संबंध की बातें करनी थी। तो इधर ये राजस्थान है और इसके बगल में कौन सा है? गुजरात। ये हम दोनों को पता चला कि राजस्थान और गुजरात के मध्य ये कौन सी सीमा बनती है? अंतर राज्य सीमा। कितनी लंबी बनती है? तो 1022 किमी। अब देखो यहाँ पे हम चर्चा करें कि राजस्थान और गुजरात, गुजरात के कितने जिले हैं? 6 जिले, जो राजस्थान की सीमा, जबकि पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं? 6, जो गुजरात की सीमा को क्या करते हैं? छूते हैं। देखो अपन पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। ये जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बाड़मेर इधर गुजरात को टच करता है, इस बाड़मेर से नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक अपना ही राज्य आ जाता है जिसे कहते हैं झालोर, और ये झालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। झालोर से नीचे चलते ही तो हमारे पास आती है सिरोही। सिरोही का जो माउंट आबू कस्बा है, या सिरोही की अगर अपन बात करते हैं तो इसे अबूर्द क्षेत्र, जिसे राजस्थान के अबूर्द क्षेत्र के यानी सिरोही के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है अबूर्द क्षेत्र। और सिरोही को अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा कस्बा भी सिरोही में है, जिसे माउंट आबू कहते हैं। और राजस्थान के लगभग लगभग प्रत्येक ऊंची चीजें, चाहे हम ऊंचे पठार की बात कर ले, चाहे ऊंची चोटी की बात कर ले, चाहे ऊंची झील की बात कर ले, वो सब की सब कहाँ पे है? सिरोही में है। जैसे भारत की राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर वो भी कहाँ है? सिरोही में है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा वो भी कहाँ है? सिरोही में है। उसी प्रकार से अगर राजस्थान की सबसे ऊंचा कस्बा देखे माउंट आबू, वो भी सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, वो भी सिरोही में है। तो उसी प्रकार से सिरोही की बात करें तो 3। चौथे की अगर बात करें तो वो आता है झीलों की नगरी, अर्थात कौन सा? उदयपुर। इसे राजस्थान का पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है, और इसके उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है मेवाड़। तो देखो इधर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, 4 हो गए, जबकि 2 बच गए। 1 आती है पहाड़ियों की नगरी, और पहाड़ियों की नगरी बोला जाता है डूंगरपुर को। पहाड़ियों की नगरी किसे बोला जाता है? डूंगरपुर। और इसके बाद में दक्षिण के अंतर्गत राजस्थान में आता है बांसवाड़ा, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुजरात
राजस्थान के 6 जिले जैसे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इस गुजरात की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। अब इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएं तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो गुजरात की सीमा को सर्वाधिक छूता है, तो सर्वाधिक छूने वाला कौन सा हो गया, उदयपुर। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम में आ जाता है बाड़मेर। कौन सा आ जाता है, बाड़मेर। देखो इसी क्रम में चले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक लपड़ा यहां से और आता है कि राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान और गुजरात की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, तो यहाँ पाकिस्तान और गुजरात की भौगोलिक स्थिति दर्शाने वाला कौन सा जिला हो गया, बाड़मेर। और इधर अगर बांसवाड़ा की बात करें तो ये बांसवाड़ा इधर मध्य प्रदेश को भी छूता है और इधर गुजरात को भी। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश और गुजरात की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का कौन सा जिला आ जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला जिसे 100 द्वीपों का शहर या आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है, जिसे बांसवाड़ा है, जिसकी अगर अपन चर्चा करें। और ये बांसवाड़ा इधर मध्य प्रदेश की सीमा को भी टच करता है और इधर गुजरात की सीमा को भी टच करता है। अब देखो ये प्रैक्टिकल होने के बाद में मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे ले लेता हूं इसको। अब देखो हमारे सामने जो समस्या आई है वो है, अब राजस्थान के कुल कितने जिले, तो राजस्थान के कुल कितने जिले, अगर इस कड़ी की बात करें तो कुल कितने जिले, तो जिलों की बात करें तो कितने जिले, 6 जिले, जो राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। अब देखो वो 6 हैं कौन कौन से, जिसकी चर्चा मैंने अभी प्रैक्टिकल आपसे बात की थी मानचित्र में। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे सबसे ऊपर ही ऊपर ले लूं मैं किसको, बाड़मेर, किसको ले लेते हैं हम यहाँ पे, बाड़मेर बिल्कुल अगर बात करें। उसके बाद में नीचे चले तो अगला आ जाता है ग्रेनाइट सिटी, जिसे क्या बोलते हैं, जालौर। उसके बाद में आ जाता है बाड़मेर, जालौर, जालौर के बाद में आता है सिरोही, और सिरोही के बाद में अगली कड़ी की बात करें तो वो आ जाता है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में अगर अपन बात करें तो वो आ जाता है डूंगरपुर, और नीचे चलें तो अगला आ जाता है बांसवाड़ा। ये 6 जिले हैं जो राजस्थान के जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। अब इसमें से जो उदयपुर है ये तो वही सर्वाधिक सीमा बनाएगा, क्या बनाएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है तो वो कौन सा आ जाएगा, उदयपुर। उसके बाद में अगर बात करें न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा की अगर लपड़े की बात करते हैं तो न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो बनाता है बाड़मेर। एक लपड़ा आ गया कि राजस्थान के कुल कितने जिले, तो 6 हो गए। लेकिन जब केवल की बात आ जाती है कि राजस्थान के केवल कितने जिले, राजस्थान के केवल कितने जिले जो केवल गुजरात की सीमा को ही टच करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कितने आ जाते हैं, 4, जिनमें जालौर आ गया, सिरोही आ गया, इधर उदयपुर आ गया और डूंगरपुर, जबकि ये 2 नहीं आ रहे। अब इसका मतलब आप समझ गए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बाड़मेर इधर तो किसको टच करता है, पाकिस्तान को, और इधर नीचे किसको टच करता है, गुजरात को। तो मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान और गुजरात की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है तो वो कौन सा आ जाता है, बाड़मेर। और बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा ऊपर तो किसको टच करता है, गुजरात को, और नीचे किसको टच करता है, एमपी, मध्य प्रदेश को। तो ऐसी स्थिति में गुजरात और एमपी की भौगोलिक स्थिति, बांसवाड़ा तो केवल में कितने आ जाते हैं, 4, जबकि कुल में कितने आते हैं, 6 आते हैं। एक तो ये लपड़ा हमारा हो गया बिल्कुल अगर बात करें। अब हमारे सामने समस्या ये है कि गुजरात के कितने जिले जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, तो उस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः थोड़ा सा आपको बता दूं, राजस्थान और गुजरात के मध्य संबंध जो है, इन दोनों के मध्य अंतः राज्य सीमा बनती है, जिसकी लंबाई है 1022 किमी। राजस्थान के कुल कितने जिले, 6 जिले जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं, कौन कौन से, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जबकि केवल की अगर बात करें तो केवल में आ जाते 4, जबकि बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, और गुजरात और एमपी की भौगोलिक स्थिति को
कौन दर्शाता है? बांसवाड़ा। अगर राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा, तो उदयपुर, और न्यूनतम कौन सा? बाड़मेर बनाता है। एक कड़ी तो ये बात हो गई। अब देखो मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों को साथ साथ में नोट्स भी तैयार करने हैं, और जिन्होंने वर्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अब हम इसी कड़ी में नोट लगाकर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। जैसे कि आजकल एक क्वेश्चन आता है जिसकी अपन चर्चा करते हैं कि गुजरात के कितने जिले जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, या फिर आता है गुजरात का इनमें से कौन सा जिला जो राजस्थान की सीमा को टच करता है या फिर नहीं करता। तो यहां पे बात आती है, हम एक छोटा सा ट्रिक लेते हैं और उस ट्रिक को अपन काम लेते हैं, और वो आता है कसाब दादा, कसाब दादा माही में आराम कर, कसाब दादा माही में आराम कर। ये छोटा सा एक ट्रिक हमने काम लिया, ये कसाब जिसने यहाँ कसाब को 2012 के अंदर हमारे राष्ट्रपति ने क्या दी थी, फांसी की सजा, जिसे प्रणब मुखर्जी की बात करें। अब देखो कसाब दादा माही में क्या कर, आराम कर। अब देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है इस कैसे तो क्या बन जाता है, कच्छ, क्या बन जाता है कच्छ। इस सा से क्या बन जाता है, सांबर काठा, क्या बन जाता है, सांबर काठा। इस बै से क्या बन जाता है, बनास काठा। बिल्कुल अगर बात करें, इस दाहोद से बनता है दाहोद या दाहोद। माही से बन जाता है माही प्रदेश, क्या बन जाता है, माही प्रदेश। और ये ऐसे बन जाता है अरावली प्रदेश, क्या बन जाता है, अरावली प्रदेश। इस प्रकार से ये छह जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद, माही प्रदेश और अरावली प्रदेश। ये छह गुजरात के ऐसे जिले हैं जो राजस्थान, जबकि अगर हम यहाँ पे राजस्थान का एक बार पुनः नक्शा बना दें तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ऊपर ही ऊपर तो आता है कच्छ का, कौन सा, कच्छ कारण, फिर आ जाता है सांबरकांठा, फिर आ जाता है बनासकांठा, कौन सा, बनास, फिर यहाँ पे पहले आता था पंचमहल, कौन सा आता था, पंचमहल, और इसके नीचे नीचे आता है दाहोद। लेकिन पहले आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से एक नदी गुजरती थी जिसे हम बोलते थे माही। इस माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला MP से, अमजोरा या अमरेरू नामक स्थान से निकलता है महेंद्र झील के समीप से, और राजस्थान इसके प्रवेश होता है खादू गांव बांसवाड़ा में। और यहां लेकिन इसी के समीप से राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली एक पर्वतमाला है अरावली, और ये अरावली पर्वतमाला जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जबकि विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला हिमालय है। और ये जो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ये पंचमहल इन दोनों के बीच में आता था, और वर्तमान में इस पंचमहल को समाप्त कर दिया गया, और ऊपर वाला भाग अरावली प्रदेश आता है और नीचे वाला भाग कौन सा आ जाता है, ये माही प्रदेश। और इस प्रकार से गुजरात के कितने जिले, छह जिले जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये था राजस्थान और गुजरात के मध्य संबंध। इसी कड़ी में हम अगला जो बनाएंगे उसमें देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के संबंध, और उसी कड़ी को अपन यहाँ पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्तों को और आगे जिन्होंने जो पीछे वाला जो हमने जो अध्याय टॉपिक बनाया है, उन टॉपिकों का आपको अध्ययन भी करना है। एक बार हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी या उसकी स्थिति का अवलोकन किया था, उसके बाद में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का अवलोकन किया था, और उसके बाद में राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य संबंध, और उसके बाद में राजस्थान और गुजरात। अगले टॉपिक के अंदर हम डालेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद में यूपी, यूपी के बाद हरियाणा, और फिर पंजाब, फिर हम राजस्थान के मध्यवर्ती जो जिले हैं उनकी बात करेंगे, सर्वाधिक जिलों को टच करने वाले जिलों की बात करेंगे, और उसके भौतिक विस्तार, अक्षांश और देशांतर की भी बात करेंगे, करक रेखा की भी बात करेंगे, और उसके बाद में हमारा एक नया टॉपिक प्रारंभ होगा जिसे हम बोलेंगे भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में राजस्थान को चार भागों में बांटकर अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस टॉपिक, इस लेसन को बिल्कुल आपको तहे दिल से देखना है और अपने नोट्स भी साथ साथ में तैयार करना है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेकर वर्दी चैनल के माध्यम से आ रहा हूं। तो बिल्कुल आपको जो काम करना आगे का वो आपको पता है। जय हिंद, जय भारत।